कुछ ही समय में बहुत सी फिल्म्स होने जा रही हैं रिलीज। हाल ही में हुई थी विमेन सेंट्रिक फिल्म मर्दानी के बाद अब वक्त है एक और विमेन बेस्ड बायोपिक फिल्म मैरी कॉम का, जो होने जा रही है जल्द ही रिलीज। और प्रियंका कोई कसर नहीं छोड़ रही इसकी प्रमोशन में। रिसेंटली पिगी चॉप्स को देखा गया नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां पहुंचकर वो दिखी काफी खुश और याद किया अपने स्कूल डेज को। प्रियंका ने कहा कि वो यहीं पली बड़ी हैं और इस जगह से उनका खास रिश्ता है। वैसे फिल्म कोई भी हो, इन एक्टर्स के लिए नए चैलेंजेस जरूर लेकर आती है। तो यहाँ प्रियंका ने बताए अपनी इस फिल्म के दौरान फेस किए गए चैलेंजेस। Ma'am, for me, every film that I do requires a certain amount of homework. Whether you do a film like Dawn, which needs you to learn martial arts, or, you know, if I do a film like, say, Barfi, where I need to, you know, get into the head of an autistic child, or even if it's a song like Ram Chahe Leela, jahan pe 10 din ki rehearsal hoti hai. To har film ke liye ek alag kisam ka homework chahiye hota hai. Is film mein 3 mahine ka chahiye tha. I needed to look like a boxer. और मुझे बॉक्सिंग सीखनी थी। मैं स्पोर्ट्स कभी खेलती नहीं थी स्कूल में। बास्केटबॉल में भेज दिया जाता था मुझे, क्योंकि मैं लंबी हूँ। बट बिसाइड्स दैट मैंने कभी खेला नहीं था स्पोर्ट्स। तो मेरे लिए पूरा नया स्पोर्ट सीखना, उसकी कंपेटिटिव स्पिरिट को सीखना, आई थिंक वो मेरी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग थी, विच आई यूज टू डू एवरी डे। एंड मेरी की कोचेज ने खुद मुझे ट्रेनिंग सिखाई बॉक्सिंग की, क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंडर है और मैं राइट हैंडर हूँ, तो मुझे उल्टा सीखना पड़ा था। और मैं चाहती थी कि उसका जो बॉक्सिंग स्टाइल है बहुत डिस्टिंक्ट है, वो कभी अपना गार्ड ऊपर नहीं रखती, बहुत फियरलेस है, बहुत फास्ट भी है। सो आई वांटेड टू गेट दैट काइंड ऑफ स्टाइल। तो मेरे के कोचेज उनकी टीम में से आके उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सिखाई, बॉक्सिंग सिखाई। उनकी ये फिल्म उनकी पिछली फिल्मों से कितनी ज्यादा चैलेंजिंग रही, आइए जानते हैं पीसी से। आई डोंट थिंक आई कैन कंपेयर, I won't say that it's the most challenging. I don't compare my films, so I this is physically a very exhausting film. बायोपिक फिल्म्स की बात करें तो पहले भी बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं फिल्मी तड़का और फिल्म के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस तो होते ही हैं। तो क्या इस फिल्म में भी ऐसा ही होगा? It's entirely based on Mary Kom's life. Of course, Mary and Onla didn't sing songs. So, I mean, those are things that, of course, we've taken a liberty of putting a song at the back. But most of it is her life, and the timelines are pretty much very close. So I would like to say that about, if I could say 85-90% of the film is exactly what she said. Of course, there have been dramatizations, you know, how you dramatize a scene where, you know, background will start happening and close-up will happen. Obviously, in real life, that didn't happen. But the story is told the way Mary told us her story. आजकल हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये फिल्म स्टार्स अपनी फिल्म्स के साथ, पर ये विमेन सेंट्रिक फिल्म का दौर जैसे फिर से आ गया है। जरा यहाँ देखिए कि पीसी का क्या जवाब था इस सवाल पर। बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं पास्ट में, अगर आप देख लें, जहाँ पे लड़कियाँ या फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती हैं। जो दौर आया है अभी, आई थिंक जैसे हमेशा कहा जाता है, फिल्में सोसाइटी का अपनी छवि होती हैं और छवि सोसाइटी की, और फिल्में सोसाइटी की और सोसाइटी फिल्मों की छवि होती हैं एक दूसरे की। तो अभी एक ऐसा दौर आया है, आई थिंक लड़कियों को लेकर, जहाँ पे लड़कियाँ आंखें झुका के घर पे बैठने वाली नहीं, अब उनकी आवाज़ है, वो सर उठा के बाहर काम पे जाती हैं, अपनी फैमिली को संभालती हैं। और यही दौर फिल्मों में भी देखेंगे आप। आई थिंक कि यू नो, एक एक्सेप्टेंस होने लगी है ऑडियंस की, जो अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं, चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो। एंड आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। इस मौके पर रील मैरी ने किए मारने और मार खाने के एक्सपीरियंसेस भी शेयर। जो मेरे कंपेटिटर्स हैं सारे इस फिल्म में, वो बॉक्सर्स थे, रियल बॉक्सर्स थे, जो इंडियन टीम में भी खेलते हैं। तो अभी उनको फेक एक्टिंग नहीं करनी आती थी कि फेक गुस्सा कैसे मारे। कोशिश की थी बेचारों ने, आधा दिन बिताया था हमने उनको सिखाते हुए कि नाक के सामने से लेकर जाओ, लेकिन फिर एक्सप्रेशन नहीं आता था या कुछ। तो फिर फाइनली हम और वक्त नहीं जाया कर सकते थे, तो मैंने जाके बोला कि ठीक है आप मारो, मैं अपना स्टमक बहुत टाइट पकड़ूंगी, आप मारो, बिकॉज एनीवे ये कॉन्टैक्ट स्पॉट है,
और फिल्म में आप इसको फेक नहीं कर सकते क्योंकि जब स्लो मोशन में जाता है तो दिखाई देता है जब छूता है ना, यू कांट फेक समथिंग लाइक दैट. सो जी हाँ, बहुत मार पीटी मुझे और मैंने भी थोड़ी बहुत मारी. मणिपुर पे ये फिल्म लगेगी या नहीं, क्या कहना था इस इशू पर पीसी का, जरा ये देखिए. जी पिछले 10 साल से ऊपर से मणिपुर में हिंदी फिल्में बैन है. हमने सोचा था क्योंकि हमारी फिल्म मैरीकॉम के ऊपर आधारित है और जो वहां से है वहां की एक बहुत यंग यूथ आइकॉन है, शायद हम इस बात को बदल पाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. मेरी ने खुद वहां पे गवर्नमेंट एजेंसी से बात की है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी बात की है, लेकिन ये हमसे बड़े लोगों के बीच उनके हाथ में है, हमारे हाथ में. वेल, ये प्रमोशंस तो शायद ही खत्म होने पर आएगी, पर यहाँ प्रियंका ने यही कहा कि फिलहाल मेरा फोकस मैरी कॉम पर है, मैं उनकी शख्सियत को अच्छे से जस्टिफाई कर सकूं और लोगों को इंस्पायर कर सकूं. आप इतना फोकस कर ही रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी. एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रभजोत कौर पवार के लिए नेहा जोशी, डे एंड नाइट न्यूज. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.